नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। इसे आप हाफ स्वेटर में दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी गई घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सिलाई पर अपने स्वेटर के अनुसार फंदा डाल लीजिए। फंदा आप 8 के मल्टीप्लस पे डालिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा डाल लीजिए। हम यहाँ पर 19 फंदा पे आपको डिजाइन बता रहे हैं। फंदा डालने के बाद आप बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिजाइन शुरू कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट सिलाई सीधा के तरफ से, फर्स्ट सिलाई सीधा के तरफ से पहला फंदा को सीधा से बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर देखिए, यहाँ एक जाली बनाएंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदा सीधा। फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा 8 फंदा का डिजाइन है। तो यहाँ से देखिए, इस फंदा को छोड़ के यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस 8 फंदा को हम बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदा हमारा जाली है और इसी 8 फंदा को हम पूरे सिलाई पे रिपीट करते जाएंगे। तो अब हम फिर से देखें, इस फूल को बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदा हो गया। अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे, 5, 2, 7 फंदा हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 5 और 2, 7 फंदा हो गया। फिर यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, 8 फंदा हो गया। इस यही 8 फंदा पूरे सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। अब देखिए, एक्स्ट्रा फंदा को धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और लास्ट के फंदा को सीधा से बना लेंगे। तो देखिए, हम पूरी सिलाई बना लिए और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से। उल्टा के तरफ से देखिए, हर बार जो फंदा जैसा है उसी तरफ बनाएंगे। जैसे पहला फंदा उल्टा से उतार लिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा है तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा आगे, और जो फंदा उल्टा है सबको हम उल्टा बनाते जाएंगे। तो इस तरह से जो फंदा जैसा है, जो उल्टा है उसको उल्टा और जो सीधा है उसको सीधा बनाएंगे। तो हर बार उल्टा के तरफ से इसी तरह बनाएंगे। तो पूरी सिलाई बना लेते हैं। देखिए, यहाँ तीसरा सिलाई सीधा के तरफ से बनाएंगे। सीधा के तरफ से तीसरा सिलाई देखिए, पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। उसके बाद यहाँ एक जाली बनाएंगे और ये जाली के ऊपर वाला फंदा को एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और जाली बना करके इस 2 फंदा को, यहाँ पर जो हम बनाए सीधा का फंदा, इस 2 फंदा को ऐसे सीधा के तरफ से ऐसे जाली बनाते हुए एक फंदा कर लेंगे। देखिए, इस तरह एक फंदा कर लिए, फिर इसको इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा हो जाएगा। और अब हम इस सभी फंदा को इसके ऊपर से ऐसे पास करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से सभी फंदा को इसके ऊपर से टपाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी सीधा का फंदा है सबको हम इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। देखिए, इस तरह से पास कर देंगे, फिर इसको इस सिलाई पे ले आएंगे और इस सिलाई पे लाके धागा को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस फंदा को उल्टा से बुन लेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा डिजाइन बन गया है।
अब धागा को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ एक जाली बनाएंगे और अब इसमें भी उसी तरह करेंगे। देखिए दो फंदा ऐसे सीधा के तरफ से, दो फंदा का एक फंदा करेंगे और इस फंदा को इस पे चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद सभी फंदा को इसके ऊपर से ऐसे पास करेंगे। दूसरा फूल को भी इसी तरह से हम बना लेंगे, सभी को इसके ऊपर से पास करते जाएंगे। तो ये हमारा दो फूल बन गया। देखिए इसको पास कर दिए, फिर ये सीधा का फंदा को भी ऐसे पास कर देंगे। इस तरह से हो गया, इसको हम इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई बना लिए और उल्टा के तरफ से चौथी सिलाई हम पूरा सिलाई उसी तरफ बना लेंगे। तो हम चौथा सिलाई बना लेते हैं उल्टा के तरफ से। देखिए यहाँ पर हम चौथा सिलाई बना लिए हैं और पांचवा सिलाई अब सीधा के तरफ से पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और यहाँ तीन फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदा को सीधा बना लिए। फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और इस फंदा को सीधा बना लेंगे, इस तरह सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे और अब यहाँ से फिर दूसरा फूल बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और इस फंदा को सीधा से बुनेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए हम पांचवी सिलाई पूरा कर लिए हैं और अब हम छठी सिलाई उल्टा के तरफ से बना लेते हैं। अब देखिए सातवीं सिलाई सीधा के तरफ से, पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर देखिए यहाँ एक जाली बनाएंगे और पांच फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर डिजाइन एक फूल पूरा हो गया है। अब देखिए दूसरा फूल भी उसी तरह बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और पांच फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा। अब हम उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई बना लेते हैं। देखिए नौवीं सिलाई सीधा के तरफ से, सीधा के तरफ से देखिए पहला फंदा को सीधा से उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर इस सभी फंदा को एक फंदा करेंगे, सात फंदा का एक फंदा। तो हम इसको देखिए इस तरह से इस सिलाई पे उतार लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, और ये जो सातवां फंदा है इस पर हम एक फंदा इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर से सभी फंदा को ऐसे पास करते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे तो सभी फंदा का एक बार में हमारा एक फंदा हो जाएगा। ये एक फंदा करने का एकदम आसान तरीका है, इस तरह से आपका सभी फंदा एक फंदा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एक फंदा बना लिए, सभी फंदा का एक फंदा बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा बनाने के बाद यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे।
फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा एक पैटर्न, एक डिजाइन बन गया। अब दूसरा भी इसी तरह बनाएंगे, एक फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ देखिए धागा पीछे रहेगा और सॉरी यहाँ पर एक फंदा जो उल्टा बनाएंगे उसके बाद यहाँ पर सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ भी हम एक फंदा उल्टा के बाद से शुरू किए थे, यहाँ भी एक फंदा उल्टा बुनने के बाद इसको हम सात फंदा को इस तरह से उतार लेंगे सलाई पे और सातवा फंदा पे इस तरह से डाल करके और सभी फंदा को इसके ऊपर से ऐसे पलटते जाएंगे। तो यहाँ एक फंदा हो जाएगा। इस तरह से सभी फंदा को इसके ऊपर से पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, जाली बना के एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली के ऊपर वाला फंदा को सीधा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए हम नौवां सिलाई बना लिए हैं और दसवां सिलाई हम उल्टा के तरफ से बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे ग्यारहवीं सिलाई सीधा के तरफ से। तो देखिए ग्यारहवीं सिलाई पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक दो तीन फंदा सीधा बना लेंगे, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा ये फूल यहाँ पर बनने लगा है, ये फूल यहाँ बन गया, ये एक फूल यहाँ बन गया, अब यहाँ पर फूल बनने लगा है। अब देखिए यहाँ पर एक बना लिए हैं, एक पैटर्न पूरा हो गया, अब यहाँ पर दूसरा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक यहाँ पर देखिए दो तीन, तीन फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर यहाँ एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, लास्ट के फंदा को सीधा बनाएंगे। अब देखिए बारहवीं सिलाई उल्टा के तरफ से हम बना लेंगे। तो हम उल्टा के तरफ से बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम उल्टा के तरफ से पूरी सिलाई बना लिए हैं और यही 12 सिलाई को आपको पूरे स्वेटर में रिपीट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फूल भी दिखने लगा है और ये फूल इसी तरह से पूरे स्वेटर में बनते जाएगा। तो हम थोड़ा सा रिपीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर लिए हैं और हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको पूरे स्वेटर में डिजाइन दिखेगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।